अल्लाह अल्लाह फरिश्तों को कहा था कि हज़रत आदम के आगे सजदा करो और कुर क्रीम में ये भी आता है कि अशरफुल इंसान अशरफुल अशरफुलमखलोक़ात है मगर जो फरिश्ता एक होता है वो अल्लाह ताली का उसके इतने काम होते हैं वो सिर्फ़ अल्लाह ताली की इबादत करते यानी कि वो हमारी तरफ़ से वो भड़कता नहीं है जिस तरह हम कहते हैं ना कभी इंसान गलत रास्ते पर जा जाता है तो क्या इंसान फरिश्तों से भी ज़्यादा बेहतर है या हम आपको भी सवाल की जरूरत आई है। किसी शायर ने लिखा है फरिश्तों से बढ़कर है इंसान होना हुँ? मगर इसमें पढ़ती है मेहनत ज़्यादा अगर इंसान मेहनत करे तो इंसान जो है फरिश्तों से बढ़ हो जाता है फरिश्ते का तो एक काम है ना? जी। हैं फरिश्ते तो एक काम किया वल्ल ने हर काम के लिए एक अकेला फरिश्ता है उसका काम है उसको करना उसको ठीक है उसकी कोई अपर अकल नहीं कोई अपनी सोच नहीं है एक लाइन पे लगा दिया हैं है? उसी पे चल रहा है इसरा एसेंट्रिक होता है बंदा उसमें इधर उधर दाए नहीं होना ठीक है इंसान को अल्लाह ताला ने दी है दो अच्छाई का बुराई का ठीक है मुख्तर उतारता हूँ अब अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम अच्छाई की तरफ जाओगे लेकी की तरफ जाओगे जो मेरे हुक्म हैं उनकी तरफ जाओगे तो तुम्हारा जो मुकाम है वो हर रोज़ बढ़ता जाएगा हैं तो, तो अगर नहीं जाओगे तो शैतान की तरफ झुकते जाओगे तो उस तरफ चले जाओगे इसलिए इसकी इस मेहनत की वजह से अल्लाह ताली हर हर आदमी जो मेहनत करता है तो उसने स्कूलों में इम्तहान पास करती हूँ मेहनत करती है तो एक रिवॉर्ड मिलता है ना वो रिवॉर्ड अल्लाह ती देता जाता है हैं अब कहते हैं जिब्राइल इब्राही जब महराज पे लेके गए गएसम को जी। जी। तो उन्होंने एक जगह जाने के बाद कहा यहाँ से मेरा आगे मैं नहीं जा सकता वो मुकाम वहाँ रसली वसलम का था हैं एक तरफ फरमाया मैं बशर रसूल हूँ इंसान भी हैं लेकिन उनसे आगे चले गए जब है? जो हैं वो फरिश्तों के लीडर हैं है। उनको भी एक जगह जाके रोक दिया है गया हैं अब वहाँ से डायरेक्ट अल्लाह और रसूल का मामला शुरू हो गया यानी यानी कि कि हम इंसान जो है वो अगर मेहनत करे और अल्लाह की तरफ लॉ लगाए तो उसमें वो इतना ऊपर चला जाता है कि फ्रिश्ते फिर उसके खातुम बन जाते हैं अब उस उसमी को जो वा, वाक़ लिखा ध्यान किया उसने कि मैंने रोज़े रखे छः महीने के लगातार रोजे रखे तो उस पर दो फरिश्ते आए आदमी की शक्ल में उन्होंने कहा तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो अल्लाह ताला ने उसको लगा के जाके कहो कि इसका मुकाम पहुंच चुका है इतना क़र्ब हासिल हो गया है कि इतनी मेहनत ना भी करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता जिस तरह कहते हैं ना बाज आदमियों को आदमी कोई बहुत अच्छे काम कर रहा हो और मेहनत करता चला जाए तो कह जाता है कि अब तुम ये नाम काम ना भी करो तो तब भी तुम्हारा मुकाम है ऊंचा है तो मुसलमसिम्लाम ने अपने बादशाह का जो इंतहाई माली खिदमत करते थे चंदे देते थे कि आप लोगों ने इतने चंदे दे दिए हैं कि आप अगर ना भी अब चंदा दें तो फ़र्क नहीं पड़ता इतना मुक़ाम हो गया है, है? हालांकि माली कुर्बानी कर्न शरीफ में हुक्म है नमाज के बाद दूसरा हुक्म है करना लेकिन इतने मुक़ाम पहुँच जाता है इंसान के उनके लिए फिर हमदर्दी आ जाती है हैं जो मालिक है जो, जो अल्लाह ताला हर चीज़ का मालिक है ना जी। उसको इतनी हमदर्दी आती है रोक देता है बस बस अब तुम मेरे इतने करीब आ कुछ ये तुम्हारी खिदमत के लिए मैंने भेज दिए लोग इसने पता नहीं क्या जवाब देना था तुम बताओ उसके सवाल का जवाब मैं तो मैंने तो नहीं दे दिया छोटा सा जवाब क्या लिखा तुमने जो लिखा पढ़ता ना तुम्हारा नोट्स तो Uh, बस इसमें नोट्स में लिखा था कि um, एंजल्स क्योंकि वो खुदा के मखलूक हैं इसलिए uh, मैंने लिखी है um, मैंने दूसरे मजहबों के बारे में लिखा जैसे मज़हब के बारे, बारे में अच्छा, का। ये तो अभी आइंदा आना है ना ये बाकी फिर तो जो बुराई भी कर सकते हैं अच्छाई भी कर सकते हैं अच्छे भी फरिश्ते हैं बुरे भी फरिश्ते हैं बाज़ मज़े वाले कहते हैं मखलूक की हद हाँ तक तो ठीक है मखलूक हैं लेकिन ये कहना कि फरिश्ते बुराइयाँ करते हैं कोई नहीं करते फरिश्ते तो है ही वो जिसको अल्लाह ताला ने एक अपने एक खास मखसूस काम के लिए लगाया हुआ नेक है इसलिए शैतान जो है वो फरिश्ता नहीं बिल्ली फरिश्ता नहीं है आदम पर सजदा करने का इनकार उसने इसलिए किया था कि वो फरिश्ता नहीं था हैं अगर वो फरिश्ता होता तो इनकारी ना कर सकता फरिश्तों ने यह नहीं कहा था अल्लाह ताली को कि हम आदम को क्यों सजदा करें फरिश्तों ने यह कहा था क्या हम काफ़ी नहीं हैं तो सजदा करने के लिए हम हर चीज़ टोटली सब सम हैं तो ये उनका इनकार नहीं था उनका एक एक सवाल था ला इल्मी की वजह से फिर अल्लाह तौर ने आदम को पेश किया कि तुम करते हो तुम्हें टोटली सब समेसर हो इसको मैंने पैदा किया इसलिए तुमसे ज़्यादा जानता है फिर आदम ने जब उनके नाम बताए तो उससे साबित हो गया कि वो आदम का मुकाम फरिश्तों से ऊपर हो गया हम्म। और मेरा दूसरा सवाल था कि जिस तरह हमारे पास एक ईमान इस्लामी नजरिया आना है उसके बात करना अच्छा खैर कर लो जिस तरह हमारा एक ईमान है और हम हमें बताया गया कि ये एक चीज़ गलत है ये चीज़ सही है तो क्या फरिश्तों का ऐसा कोई ईमान है जिस तरह क्या फरिश्ते को पर्दा कर एक मिसाल के तौर तो पर क्या फरिश्ते को पर्दा करना ज़रूरी है जिस तरह औरतों को इस्लाम में है इस तरह की कोई बात क्या पलटा के क्या <laughs> क्या फरिश्तों के पास कोई ईमान है यानी कि वो एक अल्लाह की इबादत तो करते हैं उसकी बात सुनते हैं लेकिन जिस तरह हमें नमाज का कहा गया है वो, वो अल्लाह की इबादत नहीं करते वो एक ऐसी मखलूक है जो अल्लाह के की तामील करते हैं सिर्फ हुक्म मानने को तैयार है, है? वो जो अभी है तलावत की है क्या था वो अक्सर फज्र बंद नमाज पर भी करते थे आयत की आमन रसूल मौजूद मजबे ही कुल्लू आमन अबिल्ला व मलायकते ही वतुब ही व रसुल अब किताबें भी हैं अल्लाह की हैं ठीक है अल्लाह पर ईमान है फ़रिश्तों पर ईमान है या किताबों पर ईमान है रसूलों पर ईमान है ठीक है ना इसलिए ईमान है, है कि सारी चीज़ें पैदा की गई हैं अल्लाह की तरफ से लेकिन आखिर रसूलों का ईमान आखिर में जब बशर की सूरत में एक है तो बशर ना रसूल लेकिन उसके बाद इतना मुकाम बढ़ जाता है किताब भी उस पर नाजिल होती है फरिश्ते भी उस पर नाजिल होते हैं हैं वो एक ख़ास काम लेकर आते रहते हैं हमारा तो सवाल क्या है कि जिस तरह हम नमाज़ पढ़ते हैं क्या फरिश्तों को भी इस तरह फिरतों को जरूरत नहीं है तो फरिश्तों की इबादत यही है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि जाओ मेरा पैगाम फलां जगह पहुँचा दो हैं फलां बंदे की जान निकाल लो है फलां को ये कर दो हैं उसकी वही इबादत है उसको जरूरत ही नमाज पढ़ने की उस इबादत इसलिए है कि तुम्हारा मुकाम बुलंद हो जी ग्रब हासिल होता जाए अल्लाह ताला का मजीद तरक्की करते जाओ तखबा में नक में अल्लाह के तला से तल्लक़ में तो फिर इस तरह अपनी एक, एक जो हाइट है उस पर पहुँच चुके हैं ना क्लाइम उस पर जब जो, जो, जो भी अल्लाह ताला ने बचाना था वहीं लाकर उनको रखती है अब उनका एक काम है वहीं वो रुक गए हैं उनके लिए ऊपर नीचे जाना कोई नहीं तुम न आदमी भी बुराई की तरफ जाने का इम्कान है अगर उसको अल्लाह तंभाले और ख़ुद अपने आप को अल्लाह त हज़ इस्तार ना करता रहे इस्ते करने का इसलिए हुक्म है ना कि आदमी नीचे ना गिर सके फरिश्ते में तो नीचे गिरना नहीं गुज़रा क्या जरूरत है करने की साकला। ये तो हमारे लिए है ना कि हम आज किसी किसी चीज़ को देखते हैं बुराई को देखते हैं तो उसके बाद कह देते हैं टेम्पटेशन हो गई हैं मैंने करना तो नहीं था बस टेम्पटेशन हो गई और टेम्पटेशन फरिश्तों को नहीं होती एक हमारे होता था घाना में जब मैं था एक आदमी वॉचमैन उसको रखा हुआ था तो स्कूल वगैरह में बनवा रहा था तो बिल्डिंग मटीरियल में ला कर रखा करता था तो सीमेंट वगैरह भी तो ऐसे आहता मुझे शक पड़े कि इसमें से कुछ सीमेंट की बोरियाँ कम हो रही हैं तो मैंने क्या नज़र रखो तुम्हारी जिम्मेवारी है अब उसको भी शक पड़ गया कि मुझे उस पर शक है हैं एक दिन सुबह सुबह आया कि पड़ो कसुब हो गया मैंने क्या हुआ कि सीमेंट की इतनी बोरियाँ गायब हो गई तो मुझे शक तो था मैंने कहा जाओ तुम पुलिस स्टेशन जाके आपकी रिपोर्ट करवाओ खैर पुलिस वाले भी हिशार थे उन्होंने उसको वक्त लिया थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की तो मान गया कि वही चोरी कराया करता था है? तो खैर अच्छा भला था नेक आदमी इस लिहाज से दीन इलम भी था और हर वक्त तो कुरानशी भी पढ़ता रहता मुसलमान मुसलमानी बाइबल की कोटेशन भी बड़ी याद होती थी मैं इतना तो नेक आदमी तुमने ये क्यों किया कहता जी बस टेम्पटेशन हो गई मैं कहा टेम्पटेशन तो एक दफ़ा होती है ना तुम तो सल से टेम्पटेशन नहीं हो रही ये तो इंटेंशनल री तुम सारा काम कर रहे हो हैं तो हमारे यहाँ इंसान को एक काम भी करना हो ना टम्पटेशन हो जाती है हैं फिर उस, उस उसको जो एक मुस्तकिल काम करता चला जाता है फिर वो टैम्प्टशन का बहाना बना लेते हैं कि वो टैम्पटेशन ही होती है वो इरादा होता है इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया इस्तिग़फार करो दुआ करो बचो इन गुनाहों से तुम्हारे दर्जे बुलंद होते जाएंगे क़ुरब हासिल करते जाओगे उन्होंने उनकी उन्हों तो एक लाइन है एक इससे ज़्यादा करना है जिसने जिस फरिश्ते जान निकालनी है उसने जान ही निकालनी है उसके अलावा तो कोई काम नहीं उसका जिसने इल्हाम करना है जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेके आते हैं इल्हाम नबियों पर करते हैं या वास्ता वास्तव वो कर रहे हैं दूसरे फरिश्ते ने कुछ और काम करना है तो वो करना है जंगों में इस्लामी जंगों में जंग बदर में दूसरी जंगों में जो इतनी थोड़ी तादाद थी और लोग देखते थे कि फरिश्तों ने गर्द गदमें पकड़ी हुई हैं और छांटे मार रहे हैं तो वो वो फरिश्ते थे ना वो अपने काम कर रहे थे उस वक़्त मुसलमानों की मदद कर रहे थे काफ़रों को सजा देने में हुँ? तो उन्होंने उतना काम करना चले जाना है उनकी वही इबादत है हैं जब तुम किसी इसी तरह हैं जिसमें किसी कंपनी का मुलाज़म हो हर डिपार्टमेंट का एक काम है उसको दे दिया है वो काम कर लेगा तो उसको उसकी तनख्वाह मिल जाएगी उसे ये नहीं पूछा जाएगा तो उन्हें फलाँ डिपार्टमेंट का भी फलां पेज पढ़ा कि नहीं पढ़ा अपनी ड्यूटीज़ में उसकी ड्यूटीज़ में वो कह मेरी ड्यूटी वो नहीं मेरी ड्यूटी यही है ये जो मैंने करती उसी पर उसको तनख्वाह मिल जाएगी महीने के बाद ठीक है ना बस रिश्ते भी ऐसी तनख्वाह तनखा रहे होते हैं